गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने नए वर्ष के अवसर पर शिक्षकों तथा अधिकारियों के साथ सोमवार को संवाद भवन में बैठक की। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आज बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में शिक्षा जगत में अपनी उपलब्धियों के शोकेसिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी यूनिवर्सिटी 66 साल पुरानी है, यह समय की मांग है कि हम 66 साल की उपलब्धियों की शोकेसिंग करें और अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब हों। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में 70 से 80 नए स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे विश्वविद्यालय अपने संसाधन पैदा कर रहा है। विश्वविद्यालय ने नए पाठ्यक्रमों के साथ साथ नए संकायों की भी स्थापना की है, जिसमें फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ रूरल साइंस, फैकल्टी ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ शामिल है। ये नए पाठ्यक्रम तथा नई ब्रांच ही शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की मांग के अनुरूप है। उन्होंने आह्वान किया कि हर विभाग को नए स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बनाने चाहिए और अपने संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। नए वर्ष में हर शिक्षक को एक प्रोजेक्ट हो, पब्लिकेशन हो, हर शिक्षक एक ऐसी शैक्षिक सामग्री तैयार करे जिसको विश्वविद्यालय शोकेस कर सके और हर शिक्षक स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम को संचालित करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, संवाद भवन में एक खुशी जाहिर करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय में जो माननीय कुलपति प्राप्त करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम इस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर स्वागत के अगली कड़ी में विभाग के अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता इसी कड़ी में कहते हैं कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में नोबल लॉरिएट तो नहीं बल्कि उसे एक पायदान नीचे के हमने देश देने आया हूँ ना विदेश देने आया हूँ ना कोई ऐसी स्पेशल कोई चीज होगी। मकसद सिंपल था कि नया साल है, हम लोग मिलने, कुछ हम लोगों ने क्या किया पिछले साल और आगे क्या करेंगे उस पर थोड़ा सा चर्चा फॉर्मली इनफॉर्मली चाहे तो भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। मेन ये था कि आप लोग जैसे सभी बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बहुत लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, मैं भी कुछ लोगों से मिलना चाहता, तो मैंने कहा ये अवसर है, इस तरह इस अवसर पर हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं। साथ ये भी है क्योंकि नेट में जा रहे हैं और लास्ट एक साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ बिंदु थे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रिपेयर नहीं था कि सारे नील माला पहनाएंगे, तो मैं थोड़ा एम्बेसी महसूस कर रहा था, ठीक है। आज हम लोग चाहते थे कि एक इनफॉर्मली आप के क्या विचार हैं, चाहे कि हम लोग डिस्कस कर लें और इवन हम लोग ने सोचा है कि पहले सारे ऑफिसर्स को बिठाएं या डीन को बिठाएं। अब डीन की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, 12-13 हो गई, तो उसके लिए स्पेशल स्टेज तो हर चीज़ पर हम लोगों ने चर्चा की, तो जो उचित लगा आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिक्षक है और ऑफिसर्स है, सब लोग एक साथ हैं और उस पर हम लोग इसलिए और चाय पीने के साथ उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर हम लोग जाएंगे। आप जानते हैं कि हम लोग नेट में जा रहे हैं, मैं शुरू में आया था तो मुझे लगा कि जो SSR हम लोग ने सरेंडर किया था उस SSR से हम लोग सरेंडर कर रहे थे कि बी आ जाएगा और बहुत सारे हमारे साथी भी इस बात पे विश्वास कर रहे थे कि बी से ज़्यादा कोशिश करेंगे शायद ए आ जाए, लेकिन WW से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे सारे साथी, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सारे डीन इस बात को समझ रहे हैं कि आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और वो स्थिति इसलिए नहीं है कि कुछ मैंने कोई कमाल कर दिया, हम सब ने इकट्ठे किया है और वो जोश मैं देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ हर डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, वो जोश हमारे सारे टीचर्स में है, सारे अधिकारियों में है, अधिकारी भी बहुत पॉजिटिव है, उनको समझ में आ रहा है। जो आज की मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में
मार्केट इवन इकोनॉमी है सो केजिंग ऑफ योर अचीवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं मंदिर से मिला कुछ चर्चाएं हुई, उसके बाद कुछ हमें पता नहीं था कुछ हमारे नए गेस्ट रेगुलर फैकल्टी उनसे मिले हैं। लिटरली उन्होंने सबसे बात किया, कितना ही बोल रहे थे, सबसे बोला कहाँ से आए हो क्या किया है। तो उसके बाद उन्होंने आधे घंटे तक स्पीच दी, कितना उनके दिल में कितना उनका एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को साथी ने बताया कि ऐसी ऐसी चर्चा हुई, वो इकोनॉमिक्स चाहते हैं कि हर चीज़ की इकोनॉमिक्स कैलकुलेट हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसमें हर डिपार्टमेंट के लिए इतना काम है, इतना रोल है, उस व्यवस्था को हम लोग को समझने की जरूरत है। आपस में मिलना चाहता है तो ये हुआ है कि हम यहाँ पे एक कर लेते हैं, कोई मिलना चाहता है वो चाहता है कि फॉर्मली हो जाए कि हमारे इंट्रैक्शन हुआ, और एक मैसेज जो देना चाह रहे थे हम लोग ये देना चाह रहे थे कि नेक में क्या किया और आगे क्या करना है, वो मैसेज मैंने दिया। समय कम है, हर डिपार्टमेंट लगा हुआ, आप डिपार्टमेंट विजिट करिए ना, सबकी हिस्ट्री लग रही है, सबकी पास वो लग रहा है, तो आपको समझ आएगा कि तैयारी कर रहे हैं। तो वही चर्चा की मैंने, और आने वाले कार्यों को भी तैयारियों को भी चर्चा हुई जी। जी आने वाले 10 साल में जैसे बताया हमने, सब 10 साल का डॉक्यूमेंट बन रहा है, हर डिपार्टमेंट को हम लोग इनक्रेज करेंगे कि रेवेन्यू जनरेशन करें और अपना रेवेन्यू अपना लगाए। तो इस तरह की पॉलिसी पे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज हैं, नए प्रोजेक्ट हैं, नए जो प्रोग्राम्स हैं और नए ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स हैं उसको बनाए और उसको कॉपीराइट ले और उसको जरा ऐसा अच्छा हो कि लोग लें जिससे मार्केट किया जा सके, कुछ रेवेन्यू जनरेट हो।